दो बातों जो है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है उन्होंने जो फैजान खान जो है लाइफ आने के बाद दो बातों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। गुलो भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है, बताइए। हाँ बस ये अभी फैजान खान का लाइफ देखने के बाद उनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना अपने ऊपर फर्ज बन गया, क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा करना, वो बोलते देखो जंगली बैल के ऊपर भरोसा करे सर का हिसाब आया था, लिहाजा जो है फौरी तौर पे कार्रवाई करना, नहीं तो ये सबको बर्बाद कर देता। उसके ऊपर भरोसा करना बेवकूफ लोगों की निशानी बन जाती, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन वो तो जो है बहुत खतरनाक क्रिमिनल माइंड है उसका, एकदम सुने वो बहुत अलग दिशा में जा रहा हो, लिहाजा उसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई करना चाहिए और सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। गौतम भाई कंटिन्यू करिए। जी 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 सभी को नमस्कार। सभी ने बिल्कुल लाइव देख लिया और लाइव में 990 जैसा ही बहुत कुछ था। सबसे बड़ी बात जो दो महीने से चल रही है या हम लोगों ने जो दो महीने पहले ही छेड़ी थी वो यही थी, मैंने काफी बार बोला है कि जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक कभी भी ये दे नहीं पाएंगे। तो ये पैसा कैसे आएगा, जो लोग बोलते हैं कि आप दो फिर हम बिजनेस करेंगे, ये कहते हैं आप बिजनेस करो हम उसी में से देते हैं, तो ये तो वही कहानी हो गई कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, करते रहो और ये खत्म नहीं होगा कभी भी। और इनका जो पैसा आ रहा है वो अब दुबई के थ्रू आ रहा है, पता नहीं फिर दुबई का हालत वही होगा कि वीक में तो वहां चार दिन ही बैंक खुले होते हैं, तो वो फिर वैसे ही मतलब हम जहां खड़े थे जहां से शुरू किए थे मेरे को तो लग रहा है कि हम गोल गोल घूम के वहीं आके पहुंच गए। और बचा सेटलमेंट के बारे में, बहुत सारे लोग सेटलमेंट को लेके सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने क्लियर बता भी दिया था कि अगस्त के पहले जितने सारी आइडिया है अगस्त 2021 वो ऑलरेडी सेटल्ड है, और अगस्त के बाद की जितनी भी आइडिया है अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक जितनी भी आइडिया है वो सारी आइडिया सेटलमेंट में जा चुकी है। तो यहाँ पर जैसे वो सारी आइडिया सेटलमेंट पे जा चुकी है तो अब क्या उसमें क्या हुआ है वो भी जानना जरूरी है। वहां पे आपके प्रोडक्ट्स के पैसे काटे जा चुके हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स के पैसे आप डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अपने आप को म्यूट रखिए जिसके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। गौतम भाई मैं ये बोल रहा था कि प्रोडक्ट नहीं लिए तो भी पैसे काट दिए उसके अंदर, प्रोडक्ट बिल्कुल पता है। मैं जा रहा हूँ उसके बारे में जा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट इन्होंने, मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, इन्होंने पहले ही मार्च 2021 से पहले कि जितने भी मार्च 31 2022 के जितने भी आइडिया थे उसमें जितने भी पेंडिंग प्रोडक्ट्स थे वो पहले ही उसको जीरो कर चुके थे। वो तो आप सभी लोग शायद मई महीने में पता चल चुका था जब ऑफिस खुला था, तब ऑफिस बंद ही नहीं हुआ था। तो अब क्या है कि वो प्रोडक्ट भी काटे जा चुके हैं। दूसरा है कि जो लोग काम कर रहे थे और अगर उन्होंने कुछ पैसा लगाया भी था मल्टीपल आईडी चाहे जो भी, उनको ये मैचिंग के हिसाब से उसको भी काट दिए हैं, क्योंकि इन्होंने पेमेंट मतलब ये पेमेंट पा चुके हैं, भले ही वो काम करके मिला है या जो भी कुछ है,
तो इन्होंने साफ तौर पर अपने आप को पूरी तरह से बचाने के लिए एक कोशिश किया है, और जैसे वॉलेट में इन्होंने दे दिया तो उस हिसाब से आप अभी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। तो दूसरा, ये तीसरा और एक है कि यहाँ पर जैसे आपका टॉपअप वॉलेट जो भी था उसको भी उसमें माइनस कर दिया गया है या ऐड कर दिया गया है जिसका जैसा था, तो उस हिसाब से एक फिगर इन्होंने निकाल दिया है। लेकिन आज जो इन्होंने बोला वो यही है कि अब जो इनकी आइडिया लगाएगा यानी कि जो बिजनेस को प्रमोट करेगा उनका जितना भी मैचिंग पे आउट है, उनका जितना भी मैचिंग पे आउट है वो सारा पे आउट इनको फिर धीरे धीरे ऐड होते जाएगा। पता नहीं वो कौन सा सिस्टम में ऐड होगा, क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन यही है कैशबैक वॉलेट कि हाँ वो कैशबैक वॉलेट में ऐड होगा, क्या करेंगे वो तो बाद की बात है, जब कोई आईडी लगाएगा पता चलेगा उसको पे आउट के बाद। तो सीधा हिसाब है कि 15% आप अगर एक आईडी लगाते हो तो आईडी का मान लीजिए 3000, तो आपको 450 अपना ये जो सेटलमेंट वाला वॉलेट है उसमें से 450 आपके टॉपअप वॉलेट में चले जाएंगे, और आपने 3000 की आईडी एक्टिव कर दी और 450 वहां आ गए। उस हिसाब से अगर आप करते जाओ तो 3 या 4 आईडी के बाद में वहां एक पैसा बन जाता है जिससे आप आईडी लगा के आप वो पैसा निकाल सकते हो। तो सीधा आज का लाइव का सीधा यही हिसाब है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, आप बिजनेस दो मैं पैसा दूंगा। क्योंकि हम तो पिछले साल शायद जून से ही सुन रहे हैं, या जून से तो चलिए कोई नहीं, सितंबर से सुन रहे हैं कि पेमेंट आएगा। अगस्त में भी बोला गया था इंडिपेंडेंस डे अच्छा मनेगा, फिर दीपावली वो तो बनता ही रहा है, तो उस हिसाब से पेमेंट भी आएगा। ये भी सुनने के लिए बहुत खुशी होता अगर पहले ये सारी चीजें ये नहीं बताए होते। और बचा दूसरा कि ग्राउंड पर भी काम नहीं दिख रहा है, चलिए स्टाफ नहीं है ठीक है, लेकिन जो आपका काम दिख रहा था, जैसे लोगों ने हमको भर भर के गालियां दी कि जब ये काम करने लगे तब आप लोग उछलने लगे, लेकिन अब ये हाल है कि जब हम चुप हैं इनका काम क्यों बंद है, तो जब हम उछलेंगे उसके बाद उनका काम शुरू होता है क्यों हमेशा। तो यही है कि वहां पे भी कोई काम नहीं दिख रहा है, ना ही कोई आशा दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि जो ये मंच बन गया हमने आईडी होल्डर्स को संग में लेके काम करना शुरू कर दिया, तो ये लोग शायद उसको तोड़ने का ये एक कोशिश हो सकता है कि खाली इन्वेस्टर्स रहे और इन्वेस्टर्स को अपने आप बीच मतलब अपने बीच में लड़ाना बहुत इजी है, और लीडर जो पैसा कमा चुके हैं वो भाड़ में जाए उनका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कमा चुके हैं। तो अब बचे जो उछल रहे हैं कि हम काम कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी है, वो लोग काम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज तक अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे, ये है। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि काम कैसे होगा या कंपनी पेमेंट कैसे करेगी, ये है फैक्ट के हिसाब से। बाकी आता है एक बात इन्होंने कही कि मैं सारे यूट्यूबरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जो प्रक्रिया है उसको अपने हिसाब से लोगों को समझा देना। जब एक CMD खुद यूट्यूब लाइव पर आके लोगों को नहीं समझा पा रहा है कि किस हिसाब से क्या है, मतलब इसका मतलब यही है कि आप यूट्यूबरों को बोल रहे हो कि मिर्च मसाला लगाओ और कंपनी को प्रमोट करो, तो सीधा यही बात है
सोचने वाली बात। गौतम भाई इसके पास ना ऑफिस, गौतम भाई इसकी ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली उन्हें दुबई में बैठ के सुस्तु कामा कर रहा, वो कामा होते नहीं जिंदगी भर, जिंदगी भर करा तो भी इसके कामा नहीं होते, ऑफिस ही नहीं है, खाली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट है। सुने आप, इसके ऊपर भरोसा करना बेखौफ लोगों की निशानी बन जाती, सही बोलो मैं आप? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, जो ये अगर ये जो बातें आज ये पहली बार बोले होते तो ठीक है, भरोसा आता। जब 990 लिए थे तब भी इन्होंने यही कहा था, अब उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे बेदा पॉइंट का सेटलमेंट इन्होंने 90 दिन में यानी कि दिसंबर के आखिरी तक ये कर देना था, ये सर नो, ये फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि मार्च के बाद तक ये टरना ही टरना है, ये टन जाएगा। तो हमको, मेरे को तो नहीं लगता है कि मैं हम लोगों को रुकना चाहिए। तो यही है, आपको मेरे को तो आज के इस लाइव में कुछ दिखा नहीं क्योंकि बातों से पेट भरता नहीं है, रोटी चाहिए होता है और रोटी के लिए पैसा चाहिए। तो बाकी अब मैं हर्ष भाई को बोलूंगा कि हर्ष भाई आप आए और अपना मत रखें, और बहुत सारे लोग हैं। गौतम भाई, मैं ख्वाजा हमीदुद्दीन बात कर रहा हूँ, कुछ बोल सकूं मैं एक दो जुमले? जी बोलिए बोलिए। अभी ने खुला बोल दिया उन्हें, आप बिजनेस दियो, बिजनेस में पैसे जब आएंगे उसमें से 10% आपके सेटलमेंट का अमाउंट में दूंगा। अब वो बिजनेस होता नहीं, इन्हें देता नहीं, ये साफ साफ बात है। अब हम भरोसा करना बेकार है, अब तक पहले भी वही बोला उन्होंने, अभी भी वही बोल रहा उन्होंने। बात आ रही समय सुने आ रही गौतम भाई? उसमें से 10% अमाउंट को मैं अलोकेशन करूंगा, वो अमाउंट में से आपका पैसे मिलेगा। बिल्कुल, वो बिजनेस तो चलने वाला है नहीं, बराबर बराबर चलने वाला है नहीं, इन्हें पैसे देता नहीं, बराबर बराबर। इसके अंदर जो मिसिंग लिंक थोड़ा छूट गई वो मैं आपको बोल देता हूँ, उन्हें जो सूट पहन के आंग में बैठा वो भी अपने पैसों से बैठा हुआ है उन्हें। और रही बात जो है ना, इन्हें क्या कर रहा बोले तो, फिर 18 महीने 36 महीने बोल के क्या करता, फिर और लूटने बैठा, पहले जो लूट लिया लूट लिया, अब बच्चे तो जो है आगे के कपड़े भी उतार। अब कोई बिजनेस नहीं चलेगा जमील भाई, इसका कोई बिजनेस नहीं चलेगा, ना बिजनेस चलेगा ना हमारे पैसे देगा इन्हें। और इसको आगे चल के अब जो लोगों को लालच देके उन्हें आगे चल के वो लोगों को भी धोखा देता है ना, सही बोल रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि इसकी नीयत पे जी, इसकी नीयत पे शक करना वाजिबी एकदम, क्योंकि इसकी नीयत जो जारी ना, सुने आप जमील भाई, खुला बोल दिया जी जी, इसकी औकात ही नहीं है, बराबर बोले गौतम भाई, मेरे पास से एक पैसा नहीं निकालूंगा, आपके बिजनेस में से ही रोटेशन करूंगा मैं, बराबर। और एक कोई और एक कंपनी का नाम भी लिया, खतर की कंपनी आरियादेव, अकेडिया जय अकेडिया बोलना छोड़ दिया, जय चोरिया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनिए सारे ग्रुप वाले जी, इस ग्रुप में सर 5-6 बंदे ऐसे भी होंगे जो फैजान खान साहब के हिमायती होंगे, तो आप अपना नंबर कृपा करके प्राइवेटली शेयर करें, पर्सनली जो है ना किसी, जैसे ग्रुप में शेयर ना करें अपना नंबर, प्राइवेटली अगर किसी को नीड है तो वो प्राइवेटली शेयर करें अपना नंबर, आपसे रिक्वेस्ट है सबसे। नहीं उन्हें क्या कर, उन्हें कुछ करने का नहीं है, अपन ही कुछ करने का है उसको, उन्हें तो हाथा उठा दिया, मारे तो मारो, मेरे को FIR करना है तो करो, जेल में भिजाना है तो भिजाओ, मगर मैं तो जो है सो कुछ देने के मौकूफ में नहीं हूँ, बिजनेस चला तो मैं दूंगा, बिजनेस चलता नहीं उन्हें देता नहीं, बराबर। इनकमिंग आया तो दूंगा, आउटगोइंग जब ही दूंगा, इनकमिंग आया तो बोल के बोल रहा, ये सर्कुलेशन मनी के रूप में शक करने की जरूरत ही नहीं है, अब हमारे को शक करने की जरूरत नहीं है जी जी, हम इनकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। एक बात CMD और बोल के गया कि अगर हमें कुछ हुआ तो नहीं दिया, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल पे आवाज आई आप? ऋषि जी बोलिए, ऋषि जी मैं कह रहा हूँ CMD ने एक बात और आज बोल कि अगर हमें कुछ
है तो सबका पैसा मर जाएगा। कहाँ से जाएगा, बिजनेस होता ही नहीं। बिजनेस होता ना, बिजनेस हुई तो दे तुम बराबर हमने, बिजनेस तो होता ही नहीं। तो सर पैसा तो सर अभी भी मरा हुआ है, अभी कौन सा जिंदा है हमारा पैसा। बिजनेस की बात तो बाद में है, लेकिन आप अगर आपने एफआईआर करी और हम लोग फंसे तो हम लोग के फंसते ही आप सबका पैसा मर जाएगा। तो डोंट गो लीगल, एक तरीके से ये मैसेज भी दिया उन्होंने आज। नहीं नहीं, वैसे तो जो है बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। क्योंकि वो जो सेटलमेंट करा उसके अंदर पूरा धोखा देके क्या करा, जो सामान नहीं लिए उनके ऊपर भी जो है सामान का चार्ज कर दिया और मैचिंग पैसे कट कर दिया, वो कट कर दिया, ये कट कर दिया। और जो पहले लीडर लेके जो है डकार लेके बैठे हुए है वो बहुत हराम का काम था। जमील भाई हाँ बोलिए बोलिए सर, बोल सकते हैं? हाँ बोलिए बोलिए सर। सर ये जो आप सेटलमेंट वगैरह की बात कर रहे हो, ये तो कुछ मिले तब तो सेटलमेंट और ये सब हो, ये तो देना ही नहीं है, कुछ दे ही नहीं रहे हैं। और जो हम लोगों का जो वेंडर पेमेंट्स है वो केवल नोएडा के आसपास का आप समझ लो कितने सौ करोड़ रुपए का हो रहा, जब एक हमारा जैसे आदमी का 23 लाख रुपए है, पता नहीं पूरे स्टोर इन्होंने उधार के पैसों से चलाए हैं और जो पैसा आया है वो उनके सारे अकाउंट में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, सामान वालों को भी बहुत पैसे देने का है अभी बाकी। सुने आप यहाँ से सामान उठाए करे वहां से, और ये वेरोस वगैरह की भी जो है किराए वगैरह बहुत बाकी है। तो एक हारा हुआ हमारे इंसान है, हमारे जैसे एक छोटे ट्रेडर्स का 23 लाख रुपए है और जिन्होंने ड्राई फ्रूट दिए, जिन्होंने आया देश वो दिया सारे, उनका तो एक एक आदमी का 70-70 लाख 67 लाख रुपए पेंडिंग पड़ा है। सर हरियाणा में जितने स्टोर हैं उनका लगभग मेरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार कम से कम 6-7 करोड़ रुपए इनको देना है वेंडर की पेमेंट का। अच्छा जरूर देना होगा। जी जी सादिक भाई को अनम्यूट किया, सादिक भाई अनम्यूट है, म्यूट किया जाए सादिक भाई। सादिक भाई अनम्यूट हो, हैंड रेस करें सादिक भाई, जरा उनको जो है ये करिए। सादिक भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जमील भाई। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे 35 मिनट या 36 मिनट का जो भी लाइव हुआ है आज, उसमें आप लोगों ने गौर किया वो लाइव क्यों आया? वो लीगल से डर के आया है लाइव में, आहा। और ये बाकी लोगों को चूरन देने के लिए आया है। सेटलमेंट का पैसा कब आएगा उसकी डेट भी नहीं बताया वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब अपने अपने मौज करते रहे कि सेटलमेंट का पैसा, सेटलमेंट वॉलेट दिख रहा है कभी ना कभी आएगा, तो उसमें जिसको मौज करना है वो मौज करे। जिस दिन यहाँ पे लीगल आ गया, यहाँ पे लीगल एक्शन हो गया, उस दिन वो दुबई से यहाँ वापस भी नहीं आ सकता बेचारा, जाएगा कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम खाली माइंड डिवेट कर रहा लोगों का बस। सुने आप जमील भाई, भगोड़ा है वो, भगोड़े को किसी भी हालत में इंडिया को लाना पड़ता, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अभी किसी भी हालत में तो अब केस करना है कि कुछ भी करना है यार, जैसे हमारे भाई बोले जो धरना बैठना बोले, जैसा बोले ना उन्होंने वैसे करना चाहिए वो जंतर मंतर पे, नहीं तो नहीं होगा। वो ऐसे ही आते रहता, लोगों को चूतिया बनाते रहता, जाते रहता वो। किसके पास पैसा बोल के जाके बैठा भाई? राहुल भाई, राहुल भाई बोले हो जंतर मंतर पे बैठना वो? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी करना है मगर वो लोग को तो। राहुल भाई की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, राहुल भाई की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ बिल्कुल। सादिक भाई सबसे पहले तो जो सीएम साहब है, पीएम साहब है, जो भी स्टेट वाइज है और जो सेंटर वाइज जो बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, सबसे पहले उनको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, लीगल केस करना है, इन चीजों से उसकी औकात अपने आप लाइन पे आ जाएगा सर वो। बिल्कुल बिल्कुल बोलो भाई, अभी तो अब हमारी हद पार हो गई। कल हमारे जो भैया के कल जो उनकी तकलीफ जो बयान करे उसको किसी का दर्द नहीं है, इतने लोग आज उसके तरफ से ये कंपनी में आके उतने लोग अपनी जान गंवा दिया, उसको एहसास तक नहीं है उसको आज तक। आज जो है सो लाइव आके वो जो है सो उसकी कहानी उन गा रहा जा रहा। अरे तू कहीं का सीएमडी है रे भाई, तू चारों में आ, इंडिया को आ, यहाँ बैठ के हमला से बात कर, तू पैसा लेके तू जाके दुबई में बैठ के, तेरा मन बोले जब आ रहा गोलू भाई, उनका मन बोले जब आ रहा चले जा रहा।
शादी भाई जब इसकी मुंडी पकड़ के ना लोग हिलाएंगे ना, जब पुलिस वाले हिलाएंगे तब इसको अकल आएगी। गोलू भाई जब तक इनके सर पे जूता नहीं बाजेगा ना, इनको हमारे पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। जो ये जाते हैं ना इसके अलावा में जाके हमारे पैसे से मजे ले रहे हैं, तब इनको पता आएगी कि पसीने की मेहनत का पैसा क्या होता है। इनके पिछवाड़े पे तो बजवाना है पट्टा। और मैं तो बिल्कुल आज इनकी लाइव देख के, ये फैजान लाइव इसलिए आता है ताकि लोग गुमराह हो सके और ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्टिविटी ना हो, इसलिए आता है सिर्फ ये लाइव। सर कोई करे या ना करे, मैं नेक्स्ट वीक में अगले सप्ताह में इसके खिलाफ लीगल केस डाल दूंगा कोर्ट में। गोलू भाई नेक्स्ट वीक हो जाएगा। मेरी सलाह है शर्मा जी या गोलू भाई या गौतम जी जो भी हैं, कि इनके खिलाफ जितनी जल्दी हो, जंतर मंतर पे हो सकता है सब कुछ। एक बात बताओ मुझे आप सब लोग, शर्मा जी जस्ट वेट फ्यू सेकंड। गोलू भाई जब हम लोग 25 लाख रुपए इन्हें दे सकते हैं, क्या अपने भाइयों के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठे होके हजार हजार रुपए इकट्ठे करके उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए सर्दी में जैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही है उनके लिए बिस्तरों का इंतजाम करके, हम वहां पे क्यों नहीं हंगामा कर सकते? अन्ना हजारे ने कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो भाई जब अन्ना हजारे ने जब प्रदर्शन किया था, मात्र उसके साथ में 10 आदमी थे जिससे लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो हम लोग तो 60 लाख हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? आप बताएं सर। के ऊपर जो है भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, और जो है इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिए, और एक्शन लेना ही एक मात्र एक चारा जो है अपने पास बचा हुआ है।